हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे स्मार्ट स्टडी अमन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लाए हैं वर्कशीट नंबर 4। डेट है आपकी 15/4/2021, कक्षा 8 की है ये, विषय हिंदी, लाख की चूड़ियाँ भाग 4। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, बदलू के मन में ऐसी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आंसर, मशीनी कांच की चूड़ियां का चालन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियां अब कोई ना खरीदता था। इसी कारण उसका चूड़ियों का काम बंद हो गया। यही व्यथा थी कि जिसे बदलू लेखक में समझा छिपा ना सका। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, मशीनी युग के बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यास बंद हो गया, काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया और हाथों माथे पर नसें उभर आईं। अब वह बीमार रहने लगा। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा है थर्ड क्वेश्चन है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। मशीनों से होने वाली 2 हानियों और 2 लाभों के बारे में लिखिए। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो ओके फ्रेंड, ये रहा हमारा आंसर, मशीनी युग जीने के कारण हम लोग की ज़िंदगी आसान हो गई है। हर क्षेत्र में हमारी तरक्की हुई है, चाहे वे तकनीकी क्षेत्र हो या स्वास्थ्य क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र, जिसकी वजह से शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। लाभ हमारा समय की बचत होने लगी है, घर की व्यस्तता होने लगी है और हानि है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगी है और बेरोजगारी की समस्या भी आने लगी। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, वह लेखक को कैसे पता चला। क्योंकि कांच की चूड़ियां का प्रचलन से भले उनके लाख की चूड़ियां का काम बंद कर दिया, लेकिन कांच की चूड़ियां बेचने का काम शुरू ना किया। उसने अपने मन की व्यवस्था को अपने मन में ही रखी होगी। फिर तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होता है। आप ये अपनी वर्कशीट में चेक करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, फिर मिलेंगे नए वीडियो साथ। बाय।